हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं वीवो का Y90 स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च तो अभी तक नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है और प्राइस रखा है कंपनी ने तकरीबन 18,000 के आसपास। लेकिन वो स्मार्टफोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तकरीबन 7,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वीवो का Y90 स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दिया कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.22 इंच का यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। HD+ के रेजोल्यूशन के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। चिपसेट के बारे में बात करें तो मीडियाटेक का हेलियो A22 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो एक क्वाडकोर प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर आपको 4030mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा ये वाला स्मार्टफोन में, और यहाँ पर आपको 2GB का आपको रैम देखने को मिल जाएगा और 32GB का यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और वीवो का हर एक स्मार्टफोन की तरह आपको डेडिकेटेड HD कार्ड का स्लॉट तो ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पर आपको 8MP का रियर कैमरा, 5MP का यहाँ पर आपको सेल्फी शूटर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एक पॉलीकार्बोनेट वाला बॉडी। दोस्तों सिंगल कैमरा है 8MP का, और जो फ्रंट कैमरा है इतना भी खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको 5MP का शूटर देखने को मिलता है। जब वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, अगर अंडर 6,000 के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। हालांकि प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 और आपको हेलियो P22 जैसे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो हेलियो का A22 जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा ये डुअल 4G वोल्टी को तो सपोर्ट करता है, लेकिन गेमिंग के लिए दोस्तों इतना अच्छा प्रोसेसर ये नहीं है। लेकिन अभी भी दोस्तों ये स्मार्टफोन तो प्राइस अनाउंस नहीं किया गया है, ऐसे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तकरीबन 18,000 के आसपास, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में जब वो स्मार्टफोन लॉन्च हो तकरीबन 6,000 के आसपास लॉन्च हो। ये स्मार्टफोन का डायरेक्टली कंपटीटर होगा रेडमी का 7A के साथ और रियलमी का C2 के साथ। रेडमी का 7A के साथ कंपैरिजन करें तो ये स्मार्टफोन का मुझे नहीं लगता दोस्तों ये स्मार्टफोन रेडमी का 7A को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि रेडमी का 7A में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट देखने को मिलता है, और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो 439 है ये 12 नैनोमीटर का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और रियलमी C2 के साथ भी अगर आप कंपैरिजन करें तो रियलमी C2 से भी ये स्मार्टफोन पीछे चला जाएगा, क्योंकि रियलमी C2 में आपको देखने को मिलता है हेलियो का P22 वाला प्रोसेसर। तो हालांकि मीडियाटेक का हेलियो P22 और यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑलरेडी आपको बजट बीस्ट की तरह अंडर 6,000 रुपीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक खास बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट में दोस्तों, हालांकि अभी भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन मार्केट में स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन एक अच्छा चॉइस हो सकता है। लेकिन प्राइस अनाउंस होने के बाद ही मैं आपको सारी डिटेल्स बता सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, मतलब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वीवो का Y90 आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन को दबा, चलो सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।